सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक जी। मुकेश जी ये बताइए, ये जो हरियाणा में दिल्ली में अभी ये जो समस्या चल रही है, पुलिस वालों का एक तरह से विरोध शुरू हो गया है, वकील भी अपनी जगह पर अड़े हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, कांग्रेस पार्टी की क्या इस बारे में? देखिए बात ये है कि ये प्रशासन की नाकामी है और पार्किंग की समस्या पूरी दिल्ली में है, उसको लेकर लोगों में रोष है और ये पूरी तरह प्रशासन का फेलियर है। तो इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं, दिल्ली पुलिस को या वकीलों? देखिए ये 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 इंक्वायरी का मैटर है, वकीलों का अपना वर्जन है, एडवोकेट्स का, पुलिस का अपना वर्जन है जी। लेकिन हमने कहा कि कांग्रेस लाइन ऑर्डर के विषय में कोई दखल नहीं देते हम लोग जी। ये पुलिस का गृह मंत्रालय का मामला है जी। और इसमें गृह मंत्री जी जिम्मेदार है इसके लिए सारे हालातों के लिए जी। और दूसरी तरफ ये जो ऑड इवन जो पर्यावरण और प्रदूषण का मामला चल रहा है, इसके लिए क्या पार्टी की पॉलिसी क्या है? नहीं, ऑड इवन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बाकायदा हाई कोर्ट ने कहा है, ऑड इवन दिल्ली में 8,000 बसें थी जब हमने सरकार छोड़ी जी, आज 3,000 बसें सड़कों पर है जी। दिल्लीवासी परेशान है जी। कोई प्रदूषण गाड़ियों के प्रदूषण से प्रदूषण नहीं है जी। ये पूरी तरह प्रशासन का फेलियर है जी। और केजरीवाल लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए इसके नाटक करते रहते हैं। आज सार्वजनिक प्रणाली, अगर सार्वजनिक प्रणाली जो है रिवाइन परिवहन प्रणाली मजबूत हो जी, बसें सड़क पर हो तो जरूरत नहीं लोगों की गाड़ियों की जी। केजरीवाल जी ने कहा था कि वो जब सत्ता आने से पहले सत्ता में, कि हम 10,000 बसें सड़कों पर लाएंगे। और मैंने कहा 10,000 लाना तो अलग बात है, जो 8,000 हमने छोड़ी थी उनमें से 3,000 सड़कों में रहेंगे, 5,000 बसें डिपो में खड़ी हैं। तो इसके लिए आप पूरा केजरीवाल जी को दोषी मानते हैं? 100% जी। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद आपका। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।